बॉलीवुड सुपरस्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म अयारी को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सारे लकड़े से निकलकर आखिरकार अयारी रिलीज को होने को तैयार हैं। बता दें कि अयारी 16 फरवरी यानी कल रिलीज होने वाली है, जिसके चलते हर तरफ अयारी की ही चर्चा हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ मल्होत्रा मनोज बाजपेयी स्टारर इस फिल्म का सभी लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इस दिन पद्मावत रिलीज हो गई, जिसके चलते अयारी की टीम ने फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा मनोज बाजपेयी आर्मी ऑफिसर की भूमिका में है। खास बात यह है कि फिल्म गुरुवार शिष्य की कहानी पर आधारित है। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के अलावा रकुल प्रीत, पूजा चोपड़ा, नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर जैसे बेहतरीन कलाकारों ने काम किया है। वही फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे हैं। इससे पहले नीरज पांडे वेडनेसडे, बेबी, स्पेशल 26, एम, इस, धोनी, एन अनटोल्ड स्टोरी जैसी सुपरहिट फिल्में बना चुके हैं। खबरों की माने तो नीरज पांडे की ये फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। खबरों के अनुसार बताया जा रहा है कि अयारी 8 से 10 करोड़ तक की ओपनिंग दे सकती है। हालांकि ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो पैडमैन पद्मावत बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाए हुए बैठी है।